जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्रतों से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में। और आप सभी को बता दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समस्त विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो 9वीं क्लास में पढ़े, 10वीं में पढ़े, 11वीं में पढ़े या फिर 12वीं में पढ़े या इनसे छोटी क्लासेस में भी पढ़े, तो सभी बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल जो है, ठीक है, और मेनली अगर बात करूँ तो ये आपके कक्षा 10वीं गणित विषय का 12वां अध्याय है। ठीक है, तो आपके गणित विषय का जो 12वां अध्याय है, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले बनते हैं बच्चों, उन सभी फॉर्मूलों को आज हम इसी एक वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होगी बच्चों, वो काफी बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगी, बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को इन सभी फॉर्मूलों को जो है चैप्टर वाइज ध्यान रखना पड़ता है, और इससे पहले के भी जो चैप्टर्स हैं उन सभी को लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूले और टॉपिक्स को डिस्कस किया गया, जिसकी सेपरेट वीडियो जो है आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं इसके कितने फॉर्मूले और कैसे कैसे बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 12वां है आपका व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, जिसमें पहला जो है वो होता है व्रत। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान है व्रत, तो व्रत की परिधि या परिमाप का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है 2πr। ठीक है, व्रत की परिधि या परिमाप का जो सूत्र होता है वो 2πr होता है। ठीक है, r जो होता है ये व्रत की त्रिज्या होती है। ठीक है, किसी व्रत के केंद्र से इसकी परिधि के बीच में अगर कोई रेखाखंड खींच दी जाए तो वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर व्रत की परिधि क्या है, 2πr, और पाई ध्यान रखना है, पाई का मान अगर क्वेश्चन में जब तक बोलेगा नहीं तब तक आपको 22/7 लेना है, नहीं तो इसको हम 3.14 भी मानते हैं। ठीक है, अब व्रत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है πr स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अर्धव्रत का परिमाप। ठीक है, इस व्रत को अगर काट दिया जाए मध्य भाग से तो जो हमें प्राप्त होगा ये अर्धव्रत होगा ना, तो अर्धव्रत का जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब बच्चों बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो क्या होता है, पाई आर होता है। ठीक है, 2πr का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा है जिसको हम व्यास कहते हैं, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, इसलिए हमने यहां पर 2r ले लिया। ठीक है, तो अर्धव्रत का जो परिमाप होता है आर ब्रैकेट के अंदर में पाई प्लस 2 होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्धव्रत का क्षेत्रफल। तो अर्धव्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब देखो पाई आर स्क्वायर जो होता है बच्चों, ये तो पूरे व्रत का क्षेत्रफल होता है ना, जबकि यहां पर अर्धव्रत है, तो अर्धव्रत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद जो अगला टॉपिक है बच्चों, वो है व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे ये व्रत हो गया, व्रतों को हमने 4 भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है बच्चों, चतुर्थांश। जैसे ये पहला चतुर्थांश, ठीक है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो इनमें से एक चतुर्थांश का जो फॉर्म क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये सारे फॉर्मूले हैं और इस चैप्टर में केवल फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उसकी वीडियो भी आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि 2 सकेंद्रीय व्रतों से परिबद्ध, सकेंद्रीय व्रतों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे हमें एक व्रत दिया हुआ, जैसे इसको मान लेते हम, ठीक है, कि यह हमारा सर्कल पहला है और ये वाला सर्कल दूसरा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देखो, ये बड़े वाला सर्कल, ये छोटे वाला सर्कल C1 है, और बड़े वाला जो सर्कल है वो C2 है, और इनके बीच में एक बलयिका बन रही है, एक बलय बन रहा है। ठीक है, ये जो स्थान दिख रहा है ना आपको रेड रेड करके, ठीक है, इसको हम बलयिका कहेंगे। तो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ध्यान दो, जो बड़े वाला वृत्त है हमारे पास में C2, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो हम क्या करेंगे कि 2 सकेंद्रीय व्रतों से परिबद्ध जो क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम बड़े वाले व्रत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले व्रत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बड़े वाले व्रत का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले व्रत का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से पाई कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर बात। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होता है वो है वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग क्या होता है आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं, ठीक है, समस्त भुजाएं कैसी होती है, समान होती है, और प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं। ठीक है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है, ठीक है, वो होता है 4 × भुजा। इसके अलावा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये भुजा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है,
कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है बच्चों, समान होते हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर बात। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आपके कक्षा नवी गणित का जो 12.1 प्रश्नावली का पहला सवाल है उसी में इसको हमने क्या किया था, निकाला था। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है बच्चों वो होता है 3 × भुजा, 3 × भुजा समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग कह दो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तो या तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो नहीं तो एक भुजा के 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो 3-4 पॉइंट देखे ना, ये क्या है बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहां पर ये बोला गया है कि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। ठीक है, त्रिज्य खंड के चाप, ये क्या होता है त्रिज्य खंड, तो ध्यान दो कि जब कभी भी हमें कोई वृत्त देगा, ठीक है, जब कभी भी हमें कोई वृत्त देगा, ये वृत्त का केंद्र हो गया, अगर केंद्र से हम दो क्या खींचते हैं, त्रिज्या खींचते हैं, तो ये जो त्रिज्या है, ठीक है, यहां पर देखो ये पहले त्रिज्या, ये और त्रिज्या तो समान है, इसलिए हमने आर आर ले लिया, तो दो त्रिज्याओं, दो त्रिज्या और एक चाप के, ठीक है, मध्य जो परिबद्ध क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, और त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, यानी कि देखो यहां से यहां तक ये जो चाप होता है ना इसको हम एल कहते हैं, और इस चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री। ठीक है, जहां पर ध्यान रखना है कि जो थीटा होता है बच्चों इसको हम त्रिज्य खंड का कोण या केंद्रीय कोण कहते हैं। ठीक है, ये कहां पर बनता है, यहां पर बनता है। ठीक है, फिर से ध्यान रखो त्रिज्य खंड क्या होता है कि जब हम केंद्र से दो त्रिज्याओं को खींचते हैं, ठीक है, तो जो परिबद्ध क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, अब त्रिज्य खंड भी दो प्रकार का होता है, एक होता है लघु त्रिज्य खंड और दूसरा होता है दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, तो लघु त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, और जो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, या तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसके दो दो तरीके हैं। ठीक है, फॉर्मूले से अगर करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 360 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। या एक तरीका और होता है, अगर हमें लघु त्रिज्य खंड पता है तो हम वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करके हम इसमें से लघु त्रिज्य खंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही हमारे पास में दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर बात, ये दो तरीके अपने पास में है। तो बच्चों अब हम देखते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी बिल्कुल ईजी है, अपने को वृत्त खंड के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल ईजी चीज है। क्या होता है वृत्त खंड, जैसे ये क्या हो गया हमारे पास में, एक वृत्त हो गया, ठीक है, ये क्या होगी, एक जीवा होगी, तो ये जीवा क्या कर रही है, इस वृत्त को दो भागों में क्या कर रही है, बांट रही है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये वाला जो छोटे वाला भाग होता है इसको तो हम कहते हैं लघु वृत्त खंड, और जो बड़े वाला भाग होता है यानी कि इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये वाला, ये बड़े वाला भाग, इसको हम दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, तो जो लघु लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2। ठीक है, ये होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब थीटा जो होता है, थीटा सेम ही चीज है, क्या है बच्चों, केंद्रीय कोण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब जो यहां पर अपने पास में जीवा बनी है उसे दो काल्पनिक, या इसको हम क्या करेंगे, इस बिंदु से जब मिलाएंगे तो मिलाने के पश्चात में ये जो रेखा, ठीक है, या हम त्रिज्या कहते हैं, इन दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बनेगा यही क्या होगा हमारा, थीटा हो जाएगा। अब देखो दीर्घ वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा, इसके पास दो तरीके हमारे पास में। ठीक है, अगर हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मालूम है तो हम क्या करेंगे बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास में मिलेगा वो दीर्घ वृत्त खंड होगा। ठीक है, और नहीं तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल है और वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है, माइनस में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2। तो हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के पश्चात में जो आएगा मान वही हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके जो है फटाफट से सारे फॉर्मूलों को नोट कर ले, बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और सभी वीडियोस को चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज भी क्या किया गया है, जितने भी आपके चैप्टर दिए गए उन सबके टॉपिक्स और फॉर्मूले को भी बताया समझाया गया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर सारे चैप्टर लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।